ओके ओके, थैंक यू। वो आर्यन और इमली अभी तक पगडंडिया नहीं पहुंचे। वो लोग पहुंचेंगे भी नहीं। उन्हें गुलचारे उड़ाने से फुर्सत मिले तो वो किसी की हेल्प करेंगे ना। आप लोग बेकार ही उम्मीद लगाए बैठे। बेचैनी में अक्सर हमारे मुंह से अनाप शनाप निकल जाता है। तुम्हें बहुत पछतावा हो रहा है ना कि तुम आदित्य के पास पगडंडिया नहीं जा पा रही। उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूं। कभी कभी प्रार्थना वो काम कर जाती है जो हम नहीं कर पाते। ये दिया आदित्य के लिए मंदिर में जला दो। प्रार्थना करो उसके लिए। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो आदित्य को कुछ नहीं होगा। प्लीज आदित्य को सेफ रखिएगा। प्लीज आपको मेरे प्यार पे इतना भरोसा भी नहीं है माँ। आपने आदित्य के लिए अलग से दिया जलाया। ये दिया मैंने इमली के लिए जलाया है क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि इमली अगर अपने मकसद में कामयाब हो गई तो वह आदि के साथ साथ पूरे पगडंडिया को बचा लेगी। नर्मदा जी, आर्यन के लिए मेरे अरुण ने बहुत दर्द देखे हैं माँ। उसे इस दर्द से निजात दिला। उसे फिर से हंसना है, फिर से जिंदगी जीना है। उसे ये मौका मत छीनो माँ। तीनों बच्चों को सही सलामत घर लौटा लाओ। ये लो मत पूछने देना दीदी माँ। हम सबको अब बस तेरा ही सहारा है। आप सब हम क्या ढूंढ रहे थे? हम ही आए। Exactly my point. यहाँ क्यों हो तुम? इन सबकी देवी बनकर रहना तुम्हें? देवी नहीं, परी। तुम और परी, परी का मतलब समझती हो? फेरी। तुम फेरी नहीं, सर फेरी हो। जोक मारा तो मत मारा करो, जोक मर जाते। इसने हम टेली यू ओनली ऐसे पहले एक बार सोच लो कहाँ पे हो। देख लियो पहले से ही लोगों ने हंसी और भाला उठा ली। सर चला ना दे। मैं सुन रहा हूँ। ठीक सर, हम कब से कुछ जरूरी बात करेंगे। आप लोगों ने हमका अपन पन्ना परी माना था ना, तो आप हमारी बात मानी है? हाँ। कुछ सामान लाके रहे तो आप लिख लीजिए ना। गुरन भैया लिखिए। गुरन 5 किलो बजरी, 10 किलो कंकड़, 12 किलो सीमेंट, 2 गल्लो पानी, 4-5 करनी बेलचे और ढेर सारे ईंट पत्थर, साबुन और कुछ 12-15 हजार रुपए।
ये लेकर आ जाइए। अब क्या तुम इन बेचारों से पैसे लोगी? सैलरी नहीं मिलती तुम्हें? तुम जाना तो हम इनसे पैसे अठे वाले नहीं है। अरे तो फिर कर क्या रही हो तुम? यहाँ घर बसाओगी अपना? हमें पगडंडिया जाना लेट हो रहा है, मेरी टीम तकलीफ में, और तुम हो कि वहाँ, तुम्हें पता है वहाँ क्या, अरे क्या कर रहे हो? पन्ना परी को तंग नहीं करते। जो पन्ना परी बोलती है जाओ लेके आओ। कहे कि हम आपको ये बताए के चाहते हैं कि आपकी जो भी परेशानियां हैं उनका दूर करने के खातिर आपको हमरी या कोनो परी की जरूरत नहीं है, वो सब खुद आपके हाथों में है। बच्चों का छोड़ दो, और जो सबसे बड़ी परेशानी है जो आपको अभी दूर करे के वो ये है कि आप अपन गांव में एक शौचालय बनवाए। बड़के काका आपके गांव में जरूरत के खातिर हर चीज है, लिखे के खातिर कागज, अपन कलम, जो ज्यादा बोले उसका मुंह बंद करे खातिर तरीके हैं। तो फिर आप लोगों ने इतनी जरूरी चीज में पीछे काहे रह गए? वो देखिए आपकी बहू बेटियां वो सबको बखत बेबखत सुनसान जगह जाके खुले में शौच करके पड़े थे, जो सही नहीं है। आप लोगों ने की रक्षा कैसे करी? और अगर ये खुद अपन रक्षा कर भी लें तो गंदगी से होने वाली इतनी सारी बीमारियों से कैसे बच पाएंगे? आप हमका इतना मान दिए तो बदले में हम आपको सिर्फ एक जिम्मेदारी देते हैं कि आप आपन गांव में एक शौचालय बनवाए। और तुम लोगन की ये जिम्मेदारी है कि पैसे और इस सामान सिर्फ यही काम में इस्तेमाल होने के चाहिए। और अगर कल को ब्याह भी करो ना तो पहले ये पूछ लेना कि वहां पे अलग से शौचालय है कि नहीं, किसी ऐसे वैसन से रिश्ता ना जोड़ लेना, ठीक है? पन्ना परी की जय, पन्ना परी की जय, पन्ना परी की जय, पन्ना परी की जय। रूपक लेखक कसूर दिल की मनमानिया।